पिछले वर्ष हमने नर्मदा जी की परिक्रमा किया, 3600 किलोमीटर है नर्मदा मैया, 1801 किलोमीटर एक पार्ट और 1800 दूसरा किनारा। अमरकंटक से निकलती हैं, खंभात की खाड़ी में जाके मिलती हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से वो निकली हैं माँ। 118 दिन पैदल चले थे हम। हाँ, पीठ पे थोड़ा सा सामान था, कंबल था, जरूरत की चीजें थी, थोड़ी 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 थोड़ी। शुरू में 10 किलोमीटर, फिर 15, फिर 20, फिर 25, रोज की बात कर रहा हूँ, फिर 35, फिर 40, आखिरी में तो 50, 55, 60 किलोमीटर तक पैदल चले थे हम। वो जो सुख था ना, अद्भुत था। पता नहीं कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कब क्या पाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ऐसी मैया की कृपा है कि आप पूरी यात्रा में चलते रहो चलते रहो, आपको भोजन की समस्या नहीं, वस्त्र की समस्या नहीं, सब कुछ आपको परमात्मा दे देते हैं। महाराष्ट्र के लोग काफी जाते हैं नर्मदा जी की परिक्रमा करने, कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन सब लोग ना जाएं, जिसके पास शक्ति है शरीर में वही जाएं। 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल के लोग चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा जी की परिक्रमा खाली हाथ की जाती है, पर हमने ऐसा नहीं किया था। हम जब परिक्रमा शुरू किए तो अपने झोली में जितना पैसा था 35,000 रुपया उसमें रखा, जहाँ जहाँ कुछ सेवा लिए बदले में नहीं, मतलब जहाँ लोग बहुत गरीबी में रह के सेवा कर रहे हैं वहाँ कुछ हमने उसमें 500, 1000, 200, 400 ऐसे कि दूध ले लेना, चाय पत्ती ले लेना, चीनी ले लेना, कुछ तो लेना। तो अगर 100 में से 25 लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो सेवा चलाने वाले की मदद हो जाएगी। आपको बताऊँ, आश्चर्य होता है, इतनी गरीबी में रहने वाले लोग अपने घर में 50-50 लोगों का भोजन कराते थे। मतलब याद करके ना आंखों से आंसू आ जाए। इतना कठिनाई में रहने के बाद भी खूब सेवा करते थे। सेवा का जो सबसे सुंदर स्वरूप है ना, वो है नर्मदा मैया के किनारे। बाकी सब जो भंडारा वंडारे करते हुए तो खाली दिखावा है। भगवान ने दिया तो जितना खिलाओ ताकि जलवा बना रहे, और फलाने इतना खिलाया, फलाने इतना खिलाया, किसको खिला रहे? जिसके पास है उसको खिला रहे, खिलाओ उसको, जिसके पास नहीं है वो खाएगा तो आशीर्वाद देगा। कोई भी काम नाम के लिए मत करिए, आनंद के लिए करिए और किसी का भला करने के लिए करिए। तो आप लोग कभी जाइए नर्मदा के किनारे, नर्मदा में किनारे, तो जो आश्रम सुन चलते हैं वहाँ को जरूर दान पुण्य किया करिए। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, सबसे सुंदर जो दान का स्वरूप है वो है नर्मदा मैया के किनारे। वहाँ जितना सेवा करने वाले लोग हैं ना, सब दिल से सच्चे मन से सेवा करते हैं।